लालू जी के इशारे पर जेल ब्रेक होता है और उस समय जो नक्सलाइट भागते हैं वो कहते हैं कि हम ऐसे कैसे भागेंगे जो यहाँ पे दूसरे समाज के लोग हैं उनकी हत्या करके भागेंगे और जहानाबाद जेल के भीतर घुस के एक खास समाज के लोगों की हत्या करने के बाद जहानाबाद से भागा जा वो भागते हैं वो जो नक्सलवादी थे। तो उनसे अगर वह कुछ भी अच्छी बात कह रहे हैं तो अच्छी बात है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना के एक परशुराम जयंती कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे जहाँ पर उन्होंने भूमियार समाज को लेकर कई सारे बातें कही। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि जो भूमियार के बिना जो है ए टू जेड की पार्टी RJD का बनना असंभव है। इसको लेकर जब आज जो बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगता है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू जी के काल को भूल गए हैं। जब जहानाबाद में जेल के अंदर भूमियारों की हत्या की गई थी उस समय लालू राज जी था, तब की सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया था कि जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि रोजगार देना है 10 लाख की बातचीत करनी है तो उसको लेकर उन्होंने बताया कि देश में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जिसके लिए 10 लाख रोजगार संभव हो पाएगा देने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। 15 साल के शासन में उन्होंने कितने यादव समाज के बच्चों को नौकरी दी, कितने अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को नौकरी दी, पहले तो उनको ये भी बताना चाहिए। और जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, वह खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, वो बताएं ना 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के बजट में किस तरह से दिया जा सकता है। उनके ज़माने में बजट 20,000 करोड़ का होता था, आज 2.5 लाख करोड़ का बजट हो गया है। जिनके राज में 15 साल में 5,000 भी प्रति व्यक्ति की आमदनी ठीक से नहीं बढ़ पाई थी, आज 11,000 से प्रति व्यक्ति की आमदनी 54,000 पहुँच चुकी है। यह NDA शासन की देन है। तेजस्वी जी जानते हैं कि कभी उनको कुछ होना नहीं है, जो झूठ बोल दो उसके बाद तो निकल जाना है। वह खुद विरोधी दल के नेता हैं। बताएं 10 लाख नौकरियां हिंदुस्तान में किस प्रदेश की सरकार ने इतिहास में कभी दिया हो। उत्तर प्रदेश हमसे दुगुना बड़ा है और 4 लाख नौकरियां उन्होंने 5 वर्षों में सरकार में देने का काम किया और उसको वो शान से बताते भी हैं और जनता ने उसके लिए वोट भी उनको दोबारा कर दिया है। तो झूठ बोलना अलग बात है, तेजस्वी जी आदतन झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और वही उनका हर जगह पर निकलते रहता है झूठ। तेजस्वी यादव आज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए परशुराम जयंती पे, उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी अब A to Z है, किसी विशेष जात की पार्टी अब नहीं बनेगी। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, अच्छी बात है, सभी पार्टियों को सभी के लिए होना ही चाहिए, पर ज़्यादा अच्छा रहेगा जितनी हत्याएं उन्होंने करवाई हैं, जितने अपहरण उन्होंने अपने घर से करवाए हैं, जितनी लूट की घटनाएं घटवाई हैं, और ख़ास करके जब जहानाबाद में लालू जी के इशारे पर जेल ब्रेक होता है और उस समय जो नक्सलाइट भागते हैं वो कहते हैं कि हम ऐसे कैसे भागेंगे जो यहाँ पे दूसरे समाज के लोग हैं उनकी हत्या करके भागेंगे और जहानाबाद जेल के भीतर घुस के एक खास समाज के लोगों की हत्या करने के बाद जहानाबाद से भागा जा वो भागते हैं वो जो नक्सलवादी थे। तो उनसे अगर वह कुछ भी अच्छी बात कह रहे हैं तो अच्छी बात है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार से राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करने की घोषणा की है, साथ ही नई पार्टी लॉन्च करेंगे। वो पार्टियां लॉन्च होते रहती हैं, किसी को भी पार्टी लॉन्च करने में कोई रोक नहीं है। बिहार में कम से कम 250 पार्टियां हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। BJP को कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रशांत किशोर से?